हिंदी पाठ एक मेरे संग की और ये सहायक वाचन की पुस्तिका का है हमारा। इसमें हम बताया है कि मेरे संग की औरतें कैसे और क्या बात करती। मेरे संग की औरतों का पाठ का सारांश है मेरे संग की औरतें है पाठ या कहानी में लेखिका मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। इस कहानी को वर्णित करते हुए लेखिका कहती है कि एक नानी थी जिन्हें वह कभी नहीं देखी थी। लेखिका की माँ का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को अपनी नानी से कहानी सुनाने का सौभाग्य मिल पाया था, परंतु वह नानी की कहानियों को जरूर सुनी थी, जिसका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझाया था। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली थी, जिनके पति विवाह के पश्चात छोड़कर वकालत करते थे और बैरिस्ट्री पढ़ने में विदेश चले गए थे। आगे है वहां से लौटने के बाद हुए लेखिका बताती हैं कि नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग चढ़के दिखने लगा था और लेखिका की नानी पर इसका कोई असर ना हुआ था। आगे लेखिका कहती हैं कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं मृत्यु के नजदीक पाया तो 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता ने उन्हें डरा दिया था। तत्पश्चात इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली बन गई थी। एक दिन नानी ने कहा नाना से कि उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी हैं और वो है मिलने के इच्छुक है। तो उनने बोला सवाल जवाब से अपने दोस्तों को नानी के समक्ष खड़ा कर दिया और नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ढूंढेंगे या तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ शादी एक पढ़े लिखे यानी मेरे पिता के साथ जैसे हुई है वैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम में सक्रिय रहने अपराध में ICS की परीक्षा बैठने से रोक दिया गया था उनको। लेखिका कहती है कि मेरी नानी माँ और गांधी जी की तरह ही सादा जीवन उच्च विचार वाली थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे और हिंदुस्तानी रह गए थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग लिखाई पढ़ाई सब में अमरीश थी। लेखिका कहती है कि मजे की बात तो यह है कि गांधी नेहरू और पिताजी के घर वाले फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका ने बताया कि माँ के बारे में मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था, ना कभी वह हमें लाड़ प्यार दी, ना हमें कभी खाना बनाया, ना कभी पत्नी बहू जैसे होने की सीख दी। उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी समय साहित्य चर्चा संगीत सुनने में और बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। घर पर पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि रहते थे। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता निष्ठा का फायदा उठाकर हम 3 बहनें आगे बढ़ी और लेखन को समर्पित हो गए। जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण की तो मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में हो, पर पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहता है होता रहा। लेकिन परदादी की मन्नत भी थी कि भगवान ने कुछ ऐसा सुना कि एक करके 5 बेटियों का जन्म ले लिया था। और आगे लेखिका कहती हैं कि वह अच्छे बड़े नामी चोर भी फंस जाया करते हैं जैसे जैसे चोर की काम बता करती हैं। तो एक रोज तो एक नामी चोर माँ जी के कमरे में घुस आया, फिर क्या था, माँ जी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक ना रहा। वह चोर चोरी का धंधा छोड़कर खेती किसानी में लग गया था। लेखक ने बाद में जब उस चोर को देखा तो भला मानो सीधा साधा बुरा लगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था तब लेखिका उनसे कहती है कि रोने धोने पर ही उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उनके पिताजी अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे, पर लेखिका को नहीं जान दिया था और पिताजी ने उसे ब्रदर्स काराम जो नामक उपन्यास पकड़ा दिया था। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी कमरे में अपनी किताब
पढ़ने लगे थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि लेखिका ने क्या बताया और मन्नत का प्रभाव पड़ा। बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका कहती हैं कि पहली लड़की उनके परदादी मन्नत मांगी थी, वह मैं नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरा घर नाम उमा था, घर का नाम चित्रा के नाम से जानते थे, वह नहीं लिखती थी। और तत्पश्चात दो बहन छोटी बहनों का नाम क्रमशः रेणु अचला था। बहनों के एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। अब लेखिका ने आखिर में बताया कि विवाह के पश्चात बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था, वहाँ रही, जहाँ की एक अजीब बात थी कि मर्द औरतें फिर चाहे वे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। लेखिका कहती है कि वहाँ के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर शादीशुदा औरतों को पराए लोगों के साथ जा मिलकर जाने दिया जाए। फिर बाद में कर्नाटक चली गई और उम्र के पश्चात वह पहुंच रहे थे स्कूल जाने के लिए, पर लेखिका कहती है कि कोई बढ़िया गुणवत्ता युक्त स्कूल नहीं था। तत्पश्चात लेखिका ने स्वयं का एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती थी कि मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसरों के अधिकारियों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़े थे, बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी पा गए होंगे। ऐसे बहुत अवसर मिले जुझारू जिद्दीपन के नमूने पेश करती हुई लेखिका ने बताया कि सबसे ज्यादा ख्याति हासिल की कला लेखन कला में। अब इसके शब्दार्थ के बारे में। विलायत यानी विदेश, परदान दिशी यानी पर्दे में रहने वाली, मुहजोर यानी अत्यधिक बोलने वाला, भाव परमा परमारदार, आज्ञाकारी, आखिरी यानी अंतिम, मुस्तैद यानी तैयार, तत्पर, गोपनीय यानी गुप्त, खानदान यानी कुल, वंश, फजल, दया, मेहरबानी, अपनी ग्रह संग्रह ना करना, पोशीदा, गुप्त, बदस्तूर, नियम के अनुसार, जुस्तजू, तलाश, शागिर्द, चेला, शिष्य, जैसे गुरु का शिष्य होता वैसे ही शागिर्द बताया। दाखिला, प्रवेश, जैसे हम स्कूलों में प्रवेश लेते हैं। दरख्वास्त, आवेदन, एप्लीकेशन लिखना है। खासियत, विशेषता, अफसर, अधिकारी, माकूल, मुनासिब या अच्छा, मंजिल यानी किसी लक्ष्य को पाना, लक्ष्य के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट करी थी कि अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती है, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। और उनकी इच्छा थी कि देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना भी रहे, भावना सच्ची रहे, साहस रहे। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी प्रिय पुरुष से मिलने की हिम्मत नहीं की थी। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती थी। और प्रश्न दूसरा, अब हम पढ़ेंगे लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका प्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत पर्दानशी औरतें थी। पर्दानशी यानी घर में रहने वाली। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था और यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, साहब लोगों जैसे रहते थे, अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर भी उनके समान ही है, किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर लाए और इससे उनकी बेटी का विवाह करें। आज़ादी के बाद भाग लेने में लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षण बैंक ने रोक दिया था। इस तरह नानी ने आंदोलन में भागीदारी निभाई। प्रश्न तीसरा है, लेखिका की माँ परंपरा निर्वाह ना करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। कथन बताया है कि लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए, खा में लेखिका की दादी का घर का माहौल अंकित करिए। तो लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण था। उनके व्यक्तित्व
की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी, उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी का जो सवार था उनको। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। व्यक्तित्व ऐसा प्रभावित था, देखने में ऐसी प्रभावित लगती थी कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी। राय को पत्थर की लकीर माना जाता था। लेखक की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने में बीतता था और संगीत सुनने। बस यही उनके मान सम्मान के दो प्रमुख कारण थे। कभी झूठ नहीं बोलती थी, गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। प्रश्न चार, प्रश्न खा का उत्तर है भी, लेखक की दादी घर में विचित्र विरोधों का संगम करती थी। लेख से परे हटकर रहती थी और वे चाहती थी कि उनकी पतोहू यानी बहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो, जिससे वह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दे। दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करने वाली पोती को खिलाने दुलारने यानी प्यार करना की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल विचित्र थी, एकदम अलग। वे घर का कोई काम नहीं करती थी, आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पढ़ने संगीत सुनने का साहित्य फुर्सत नहीं थी, लेकिन पति भी क्रांतिकारी थे उनके। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती नीति थी, किंतु घर की नारियां अपने तरीके से जीने लगी और विकास में बाधा नहीं बनते थे। प्रश्न चार, आप अपनी परिकल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतो यानी उनकी बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है, परदादी ने अपनी बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की इसलिए मांगा कि परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात नहीं रही। आगे है प्रश्न पाँच, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को राय पर लाया जा सकता है क्या, उत्तर दीजिए। इस पाठ से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र हैं अपना दृढ़ विश्वास, सही व्यवहार है। यदि कोई सगा संबंधी गलत राय पर जाए तो हम उसे डरा धमका के उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखक की नानी ने भी यही भी कहा कि उन्होंने अपने पति की अमृत भक्ति का ना तो कोई मुखर विरोध किया ना समर्थन, बस परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वनवांछित कार्य करती रही। पर लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। यदि उन्होंने यहाँ पे व्यवहार अच्छा किया, उसके पकड़े जाने पर उसे उपदेश भी दिया, नहीं दिया कि चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना कहा, हमारी तुम्हारी मर्जी है, चाहे वो चोरी या खेती है। इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने चोर ने चोरी छोड़ दी, खेती करने लगा। प्रश्न छः, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार। इस लेखिका में लेखिका ने किन प्रयासों का उल्लेख किया है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार, इस दिशा में लेखिका के अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने वैकल्पिक बिशप से प्रार्थना की और कहा। लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीन भाषाएं सिखाने वाले स्कूल खोले। कर्नाटक स्कूल में मान्यता दिलाई। इस स्कूल के बच्चे अच्छे स्कूलों में प्रवेश होने लगे। पाठ के आधार पर लिखे जीवन में कैसे इंसानों का अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है, तो पाठ के आधार पर स्पष्ट बताया है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जा सकता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर रूढ़िवादियों को तोड़ते हैं, समाज में खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय थी कि उनके परिवार से सहज विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से बहने की बात कही। इस कारण सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी श्रद्धेया बनी और उसने दोनों दो धोतियों से अधिक संचय ना करने वाला, संचय करने यानी इकट्ठा करना, उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के से
बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी थी और आज़ादी के लिए कार्य किया उन्होंने। कभी झूठ नहीं बोला, कभी गोपनीय बातें दूसरे को नहीं बताई। वे सभी व्यक्तित्व सच्चे थे और लीक नहीं करते थे, इस कारण उनका सम्मान हुआ लीक। अब प्रश्न 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और। इस कथन के आधार पर लेखक की बहन लेखक के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती हैं, बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु से लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवाया था। एक बहन गाड़ी में आती थी तो रेणु पैदल चलती थी। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी लबालब भर गया और पानी स्कूल बंद होकर देखकर वह लौट गई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़ीवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहाँ जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। ममता दिलवाई और का अकेले ही शुरू किया था यह।